चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए महाराष्ट्र स्टेट के बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण तथा यह मंच पर मौजूद सपा के महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष श्री अब्बू आजमी जी व इनके अन्य सभी साथीगण, आज आप लोग अपने महाराष्ट्र प्रदेश में यहाँ लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के व सपा के लिए भी छोड़ी गई कुछ सीटों के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी व सपा के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी का व बाद में बीजेपी व कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी राज रहा है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासन काल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है, सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की अभी तक रही खासकर आरएसएस वादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चले जाएगी। इस बार बीजेपी सत्ता में किसी भी कीमत पर वापस आने वाली है, और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुम्मेबाजी काम में आने वाली नहीं है। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश में जन हिस्से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको इस बार किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों मजदूरों बेरोजगारों कर्मचारियों युवाओं महिलाओं किसानों व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और अब अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही
फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपने सरकार के जबरदस्ती की असंख्य हवा हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अब कच्चे कार्यों की काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे भी यहाँ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से लागू नहीं किया था, अर्थात इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसके बाद फिर हमारी पार्टी को इसे लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और यहाँ पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की सुविधा मिले। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब बीएसपी के अथक प्रयासों से केंद्र में श्री बीपी सिंह की रही सरकार ने इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और साथ ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया, तो तब इससे दुखी होकर उस समय इनको बाहर से समर्थन दे रही खासकर बीजेपी ने फिर इनकी सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था। और फिर इन्होंने इसके विरोध में पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के ऊपर अभी भी हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इन वर्गों के साथ साथ पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें अभी भी कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस आदि की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद साई हो गया है। और अब इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने से भी इनकी स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ साथ आपके प्रदेश से पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जिससे अब यहाँ सर्व समाज में से सबसे ज्यादा गरीब मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोग ही काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने इनकी बिना पूरी तैयारी के ही खासकर नोटबंदी व जीएसटी को लागू करने के इनके लिए गए इस फैसले से तो अभी भी यहाँ देश में गरीब व आम जनता तथा मध्यम वर्गीय कारोबारी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। और इससे अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अब यहाँ गरीबी बेरोजगारी महंगाई वे अनेक और गंभीर समस्याएं भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो गई हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में हर स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि इससे अब यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं,
और इसको लेकर कांग्रेस की सरकार में वो फोर्स का मामला और अब बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ आतंकी हमलों में काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। इस प्रकार से अपने ऐसे खराब स्थिति को देखते हुए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही बीजेपी की भी वर्तमान केंद्र की सरकार ने फिर षड्यंत्र के तहत अपने इन सब कमियों पर अपने खास विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए यहाँ पिछले कुछ समय से उनके प्रमुख व प्रभावशाली लोगों को तथा उनके नजदीकी रिश्ते नातों आदि को भी जबरन फर्जी व झूठे मामलों में फंसा के उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया है जो अभी भी लग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।